आज हम जा रहे हैं सोनमेर मंदिर, जो खूंटी के पास है, मीन्स खूंटी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लगभग अभी पहुंच ही गए हैं यहाँ से। ये सोनमेर मंदिर, यहाँ आसपास का जो भी, यहाँ पे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं ये वो, और हम क्योंकि मंदिर पहुंच गए हैं तो हम अभी पूजा के कुछ सामान ले रहे हैं। काफ़ी पुरानी मंदिर है, लोग यहाँ अपनी मन्नत के लिए आते हैं। ऐसे तो हम आ गए थे ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे, तो बस इसी चलते हम यहाँ पे कुछ सामान ले ले रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ ऐसे मंदिर में घूमना अच्छा नहीं लगा। और हमारा ये थाली तैयार हो गया है, और ये थाली हमें मिल गई है। ये इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, अंदर से भी थोड़ा डिज़ाइन बनाया हुआ है। और हम अभी लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पे भी नंदी जी का और एक शिवलिंग रखा हुआ है। तो क्योंकि दशहरा का टाइम है और अभी खूंटी में काफ़ी सारे पंडाल बने हुए हैं, तो यहाँ से हमने आज की शुरुआत की है। ये सोनमेर मंदिर के अंदर का सीन है। एक्चुअली शायद यहाँ पे पहले बड़ी मूर्ति थी, बट वो तोड़ दी गई है, किसने तोड़ा ये तो नहीं पता। तो यहाँ पे पूजा हो रही है अभी। तो पूजा करने के बाद हम यहाँ बगल में जो बना हुआ था मंडप टाइप, हम उसमें आए हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है, कलर भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। और हम वहाँ से वापस आ करके अभी खुटी के पंडाल में घूम रहे हैं। ये यहाँ का मंदिर है, दुर्गा मंदिर, काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है फूलों से। तो हम यहाँ पे जब भी जितने भी पंडाल हैं बस दर्शन करते हुए निकलेंगे यहाँ से। ये दुर्गा पूजा के लिए जो मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर बनी हुई हैं। कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये हमारा पहला पंडाल था, एक्चुअली ये मंदिर पे ही सजाया हुआ है। और यहाँ से हमारा दर्शन हो गया। अब हम ये दूसरा पंडाल है, यहाँ पे बांस से बनी हुई है सारी चीज़ें, काफ़ी सुंदर लग रहा है और यूनिक भी है। तो हम अभी यहाँ, ये रोड की साइड से दिख रहा है, बट अभी हम इसके अंदर आ गए हैं। और ये सारा डिज़ाइन बांस से किया हुआ है, बांस और कपड़े से, काफ़ी सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन, ये अंदर का पंडाल के अंदर का लुक है। यहाँ झूमर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका छत भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। तो ये यहाँ का सबसे यूनिक पंडाल लगा मुझे। और ये सब देखते हैं हम, यहाँ गणेश जी का काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, मूर्ति भी सुंदर लग रहा है। और यहाँ से हमें अभी प्रसाद भी मिला, आरती चल रही थी एक्चुअली, तो हम बहुत सही टाइम पे यहाँ पहुँचे। थोड़ी आरती ले लेते हैं। आज सप्तमी है दुर्गा पूजा का, तो अभी सारे पट खुल गए हैं सारे ही पंडाल के, इसी चलते हम दर्शन कर पा रहे हैं। और ये शाम का टाइम है, अभी मैं अपने घर आ गई हूँ खूंटी के बाद, तो अपने घर के पास वाला ये पंडाल है। अभी हम यहाँ आरती के लिए आए हैं, आरती के बाद कुछ प्रोग्राम है, यहाँ डांडिया चल रहा है। छोटे बड़े आंटियाँ सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और मैं तो बस अभी देख रही हूँ।
रही है दूसरा प्रोग्राम। यहाँ राम सीता वानर सभी बच्चे बने हुए। राम की सवारी निकली, राम की सवारी ये गाना चल रहा है। तो हमारे छोटे नन्हे कलाकारों की कला गद्दा लेकर के दौड़ रहा। लोग किसी का पूंछ ही खुल गया, यहाँ वानर का पूंछ नहीं है, टूट गया हाथ में लेके जा रहा है। और ये फाइनल। सो यहाँ के बाद आज नौवीं दशमी का दिन है, आज दशमी है और यहाँ पे कन्या पूजन हो रही है। कन्या पूजन के बाद अभी हवन है। सो ये हवन रहा और हवन के साथ ये पूरी दुर्गा पूजा यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो हैप्पी दशहरा सबको बिलेटेड।